दो क्वेश्चंस आपने अपने अपने आप से पूछे कि व्हाट विल द वर्ल्ड मिस आउट इफ यू डू नॉट एग्जिस्ट। जी मैं अपने आपसे सवाल करूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये दुनिया क्या चीज़ मिस करेगी? क्या दुनिया कहेगी कि शुक्र है वो चला गया, नाउ वी हैव मोर एयर टू ब्रीद, ही वॉज अ बर्डन? या दुनिया कहेगी कि वो शख्स चला गया, उसने क्या किया, उसने बस ज़मीन पे कब्र में इजाफा किया? और जो ज़्यादातर लोग करते हैं, दे ऐड अ ग्रेव टू द ग्रेवयार्ड। सारी ज़िंदगी जॉब की, कमाया, खाया, बीवी को दिया, किया, वो तो आपके अलावा कोई और शख्स भी कर सकता था। आप मर गए, उन्होंने एक और बंदा हायर किया, वही काम कर रहा है। आपके जाने से दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो विजनरी बंदा होता है वो जब इस दुनिया से जाता है तो दुनिया को अफेक्ट पड़ता है, दुनिया को डेंट पड़ता है। रसूल सल्लम जब गए इस दुनिया से तो तहलका मच गया कि ये क्या हो गया। इसी तरह से बड़े बड़े लोग, उनकी डेथ हुई, सलाउद्दीन अयूबी को जब शहादत मिली तो लोग कहते हैं यार हमने एक बंदा खो दिया आज। उमर बिन खत्ताब को जब खंजर लगे तो मदीना में औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब रो रहे थे और कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब की वफात के बाद हम वफात टाइम पे हमें अल्लाह के नबी के दौर याद आ गया कि जब अल्लाह के नबी की डेथ हुई थी। क्रिश्चियंस रो रहे थे, ज्यूज़ रो रहे थे कि ऐसा शख्स चला गया जो आदिल था, जिसने हमारे राइट्स का ख्याल किया। और लोग कहते हैं कि अगर एक उमर बिन खत्ताब और होता तो आज पूरी दुनिया इस्लाम में बदलती। ऐसी लाइफ विजनरीज लोग गुजारते हैं। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि मैं जो काम करना चाहता हूँ या करूँगा, इफ आई लीव दिस वर्ल्ड, क्या इस दुनिया को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दूसरी चीज, What legacy do I have to leave behind? Do I wish to leave behind? कि मैं जब चला जाऊँगा क्या मैं legacy छोड़ के जा रहा हूँ? क्या मैं ऐसे लोग तैयार करके जा रहा हूँ, ऐसी औलाद तैयार करके जा रहा हूँ जो कि मेरे लिए भी सदका जारिया के बायस बने और मेरे काम को वो परसू करे, लेके चले? बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ विजन, यू विल बिकम अ टूल ऑफ समवन्स एल्सेस विजन। उस पत्ते की तरह ना बने, हवा इधर की चले तो पत्ता उड़ के वहाँ चला गया, और हवा वहाँ की चले तो पत्ता उड़ के वहाँ चला गया। हम लोग किसी को देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी ने अपने अपने किसी बच्चों को स्कूल से निकाला और दूसरे स्कूल में डाला, हम लोग भी आम तौर पे अपने बच्चों को स्कूल से निकालने सोचते हैं, उसमें डालने चाहते हैं। किसी ने अपनी डिग्री छोड़ के कोई और डिग्री करना शुरू कर दी तो हम कहते हैं यार वाकई मुझे भी छोड़ देनी चाहिए, इसमें कुछ रखा ही नहीं है, उधर जाता हूँ मैं। किसी ने डिग्री छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, आप कहते हैं हाँ यार ठीक तो ये था, इतना पैसे देने पड़े, इतना ख्वारी करनी पड़ी, इससे बेहतर मैं अपना बिजनेस कर दूँ। नहीं, डिवेलप योर विजन, इससे आप जो है ना सेल्फ स्ट्रेंथ मिलेगी, सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी आपको, आप किसी के विजन का एक टूल बन जाएंगे और आप उसके विजन को अचीव करने के लिए एक किरदार प्ले कर रहे होंगे। इफ़ यू डोंट हैव योर विजन,